तेरा बच्चा मरता है तो मरे, हमें क्या? यहाँ जॉब लेने आई है, सिम बदल लेने आई है लोगों की, हाँ? कहीं और जाके मर। ओह शिट, मैम, ये क्या कर दिया आपने? तेरा तो थोड़ी सी जगह दे देंगे बैठने की। क्या जगह दे देंगे? जहाँ स्मार्ट लड़का देखा नहीं है वो लाइन मारना शुरू कर देती है, अपने पेट में बच्चा लेकर आ रही है, ऑफिस में आई है, धर्मशाला में आई है। अरे आप कैसी बातें कर रही, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं क्यों इन पे लाइन मारूंगी? तू प्रेग्नेंट है इसलिए मेरे बॉयफ्रेंड को लाइन मारी, तेरा पति तुझे छोड़ के भाग गया होगा। मैडम मैं आपके बॉयफ्रेंड पे लाइन नहीं मार रही हूँ, इसीलिए सहारा ढूंढ रही है, ऐसी हालत में तेरा साथ देगा भी कौन? मैडम प्लीज मेरे बच्चे और मेरे पति के बारे में प्लीज ऐसा मत बोलिए कुछ भी। यहाँ जॉब लेने आई है, सिंपैथी लेने आई है लोगों की, हाँ? कहीं और जाके मर। सुबह से आके बैठी हूँ मैं और आके से नंबर चाहिए अपना, चले दिमाग खराब कर दिया इस गधी ने, बेबी कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। हिमायत बन रहा बड़ा कितने बाप बनाएंगे इस बच्चे वैसे भी नंबर तो हमारे आने वाला है जॉब का। ओहो बेबी उधर आना, पूरे भैंस के बच्चे की तरह जगह चाहिए होती है इसको। क्या मैं बैठ सकता हूँ? अबे ओ तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या, यहाँ मेरी फाइल रखी हुई है और उसकी तरह प्रेग्नेंट है क्या, जो तुझे भी खड़े होने में दिक्कत है? खड़ा रहा चुपचाप। मैम उन्होंने आपके पैसे निकाल लिए, मैंने भी देखा। झूठ बोल रहे हैं जी। झूठ क्यों बोलेंगे मैडम, आपने मेरे पैसे निकाले? मैम मैंने खुद देखा है, आपने पैसे निकाले इनके बैग में। मैंने कोई पैसे वैसे नहीं निकाले, समझ आ गई? तो वो झूठ क्यों बोलेंगे मैम? तूने देखा मैंने चोरी करी है? आपने देखा इनको चोरी करते हुए? जी मैम मैंने देखा था, इन्होंने अपने फाइल में रखे हैं। तुम दोनों के मिले भगत ऐसे शरीफों का बदनाम करते हो। अरे मैडम आप दिखा दो ना एक बार फाइल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फाइल को हाथ लगाने की? मैडम अगर आपने चुराया नहीं तो आप मुझे फाइल दिखा दीजिए। तुझमें चोर लग रही हूँ हाँ, तमीज लड़की। मैम आप ये क्या कर रही हो? तो चुप कर, बच्चे का बाप बनना बंद कर। सर आप ये लोग जानती हूँ तुम दोनों को बड़े हिमायत बन रहे, चोरी का इल्जाम लगा तुम्हें, शक्ल से चोर लग रहे तुम्हें। हम तुम्हें चोर लग रहे हैं, बहुत अच्छे रेपुटेड फैमिली से हैं। अगर आपने पैसे लिए तो प्लीज मुझे दे दीजिए, वो मेरी दवाइयों के पैसे हैं। तेरा बच्चा मरता है तो मरे, हमें क्या? उसके दवाई के पैसे क्या हम देंगे? एक बाप मिल गया ना तुझे। सर मैम आप लोग ये क्या बोल रहे हैं? चल चुप कर तू, क्या बोली जा रहे हैं? मैम फाइल दिखाओ मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई? सर आप रोकिए ना मैम को। ये पड़ी रोनाल्डो जैसी लात। मैम ये क्या कर दिया आपने? तू चुप कर। माय गॉड ये क्या कर दिया? मैम आप ठीक हो? पानी तेरा तो। आप लोग ये क्या कर रहे हो? कम से कम इनकी हालत तो देखो, और आप लोग इन पे हाथ उठाए जा रहे हो। औरत जात की इज्जत करना नहीं आता आपको? एक औरत हो तू चुप कर, तू क्या हिमायत बन रहा है? सर आप तो इनको समझा सकते हैं। तू चुप कर वरना तेरे भी पड़ेगा एक। दो पड़ते हैं ना बंदर की तरह उछलता हुआ भगेगा, बड़ा है बाप बनने के लिए। ठीक तो है? सारा मूड खराब कर दिया। मेरी कुतिया के 12 बच्चे हैं, उसको इतना दर्द नहीं होता जितना ऐसा ड्रामे देखो। ओवर एक्टिंग करे, किसी को इतना दर्द नहीं। जरा तो इंसानियत दिखा लो, उन्हें दर्द हो रहा है। बेवो हमारे अंदर बहुत इंसानियत है, चुप कर। बढ़ाया इंसानियत वाला, अब हमसे कुछ नहीं मिलने वाला, भीख कहीं और जाके मांगना। दवाई के पास मैम रहने दीजिए, इन्हें बोल के कुछ फायदा नहीं है, अगर इनके अंदर जरा भी इंसानियत होती तो ऐसा करते ही नहीं। बहुत मसीहा बनने आ रहा है ये। मेरे पास तो इतने ही पैसे बचे हुए हैं। मैम आप एक काम कीजिए, ये 200 रुपये आप रख लीजिए और ये 20 रुपये मेरे किराए के काम आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। इन पैसों से आप दवाई ले लीजिएगा। मुझे तो वॉशरूम जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल आइए। एक्टिंग तो देखो महारानी की, देखते तेरे 200 रुपये लेके भाग गई। मैम आप लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं है। हमारे पास पैसे भी नहीं है। क्या करें, जॉब तो हमारी लगनी है। तू क्या देख रहा है, भग गई वो तेरे पैसे लेकर, अब नहीं आने वाली। सबसे पहले हम जाएंगे और जॉब लेके आएंगे। चल तो कपड़े धो, देखो इनको कोई जॉब देगा। कौन आता है इंटरव्यू देने? आप लोग मिस मिस्टर सैम पंडित कौन है?
आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, बाकी आप लोग घर जा सकते हैं। क्या घर जा सकते हैं? पागल समझ रखा है क्या हमको? सुबह से बैठा रखा है, इंटरव्यू होगा हम ये सोच रहे हैं, और अब आगे बोलो सिलेक्शन हो गया, बाकी लोग घर जा सकते हैं। कौन है तुम्हारा बॉस? बुला के लाओ। ओके मैम, मैं भी बुलाती हूँ। मैम आप? हाँ मैं, शॉक्ड हुई ना मुझे देखकर। और तुम क्या बैठे हो, तमीज नहीं अभी तक बैठे हो? तुम दोनों अभी क्या, अभी निकल जाओ मेरे ऑफिस से। मुझे तुम जैसे लोग ना मेरे ऑफिस में चाहिए ही नहीं एज एम्प्लॉय। क्या नाटक लगा रखा, जब जॉब देनी नहीं होती तो बुलाते क्यों तुम लोग? हमारा टाइम और वेस्ट कर दिया, सबसे पहले आए थे हम दोनों। प्रेगनेंसी का नाटक करके ऐसे टेस्ट लेते हैं क्या? इंसानियत नाम की चीज है तुम दोनों में? तुम्हें पता भी इंसानियत क्या होती है? अरे क्वालिफिकेशन नाम की चीज सुनी हो? मुझे ना अपनी ऑफिस में इंसानियत चाहिए। वेल क्वालिफाइड तो यहाँ पे सभी लोग हैं ना, तुम चारों हो वेल क्वालिफाइड, बट मुझे ना तुम्हारे जैसे लोग नहीं चाहिए। तो तुम चारों के चारों निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। और तुम्हें तो पता भी नहीं एक प्रेग्नेंट औरत के साथ बिहेव कैसे करते हो। तुम लड़कियों के ऐसे बिहेव कर रही हो, मुझे तो शर्म आती है तुम जैसी लड़कियों पे। पता नहीं तुम आने वाली पीढ़ियों को क्या संस्कार दोगी जिसमें खुद का संस्कार नहीं है। बेवकूफ कहीं मैम, प्लीज एक चांस दे दो। तुम्हारे जैसे लोगों को मैंने चांस दे दिया ना, तो यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय के साथ तुम ऐसा ही बिहेव करोगे। और मुझे ऐसे लोग अपने ऑफिस में चाहिए ही नहीं। मैं यहाँ पे फैमिली को बैठाती हूँ ना, कि तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज को जिनमें रहने सहने का ढंग ही नहीं है, बदतमीज लोग। तू क्या सॉरी बोल रही है? 500 रुपए के लिए तुमने अपना ईमान बेच दिया, बदतमीज कहीं की। तुम्हारी वजह से हुआ ऐसा, 500 रुपए के पीछे ये सब। तुम दोनों अभी के अभी निकल जाओ मेरे ऑफिस से। मिस्टर सैम पंडित, कांग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड।